नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना के कंफर्म्ड मामले 33,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ठीक होने वाले लोगों की संख्या 22,000 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब भी फासला 10,000 से कहीं ज़्यादा है, यानी कि 10,000 से कहीं ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी भी बिहार में है। आज तारीख 24 जुलाई है और वक्त हो चला है कि हम आपको बिहार का कोरोना रिपोर्ट कार्ड बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बिहार का कोरोना अपडेट शॉर्ट में बताते हैं। अब तक बिहार के सभी ज़िलों से 33,511 केसेस सामने आ चुके हैं। 221 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। 22,832 लोग ठीक भी हुए हैं और एक्टिव केसेस 10,458 है। बात अगर आज के अपडेट्स की जाए तो 1820 नए मामले बीते 24 घंटे में बिहार में सामने आए और 9 लोगों की मौत हो गई। ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो 1873 लोग बीते 24 घंटे में ठीक हो पाए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 1820 जो नए मामले आए वो किन किन ज़िलों से थे। पटना ज़िले से सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में आए हैं, 550 से भी अधिक। 561 केसेस केवल पटना ज़िले से आए। भागलपुर ज़िले से 81, मुजफ्फरपुर से 99, गया ज़िले से 147, नालंदा से 21, सिवान से 44, रोहतास ज़िले से 101, बेगूसराय से 78, नवादा ज़िले से 7, पश्चिमी चंपारण से 30, सारण ज़िले से 121, मुंगेर ज़िले से 7, समस्तीपुर ज़िले से 21, भोजपुर से 34, खगड़िया से 31, पूर्वी चंपारण से 59, मधुबनी से 2, वैशाली से 58, गोपालगंज ज़िले से 7, पूर्णिया से 31, जहानाबाद से 39, कटिहार से 26, बक्सर से 12, दरभंगा ज़िले से 22 नए मामले, लखीसराय से 30 नए मामले, वहीं सुपौल से 1 और औरंगाबाद से 2 नए केसेस सामने आए। जमुई की बात करें तो 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज बीते 24 घंटे में पाए गए। मधेपुरा ज़िले से 18, सहरसा से 1, बांका से 4, किशनगंज से 11, शेखपुरा ज़िले से 9, सीतामढ़ी ज़िले से 17, अरवल से 35, कैमूर ज़िले से 1 पॉजिटिव मरीज सामने आया। अररिया केवल वो ज़िला रहा जहां से 1 भी पॉजिटिव केस बीते 24 घंटे में सामने नहीं आए। शिवहर ज़िले से 11 नए मामले आए। कुल मिलाकर बिहार के 37 ज़िले से 1820 कोरोना के नए मामले बीते 24 घंटे में आए। 9 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में हो गई। पटना ज़िले से 1 व्यक्ति की मौत हुई, मुजफ्फरपुर से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि गया और नालंदा से 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। रोहतास ज़िले से 2 लोगों की मौत कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में हुई। पश्चिमी चंपारण से 1 व्यक्ति की मौत हुई और सुपौल ज़िले से भी 1 व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई। कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में बिहार में हुई। वहीं 1873 ऐसे लोग हैं जो कोरोना को मात देने में सफल रहे, बिहार के 37 ज़िले के 1873 लोग। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बिहार के सभी ज़िलों का कोविड को लेकर फ़िलहाल क्या हाल है। शुरुआत पटना ज़िले से करेंगे। 5,000 का आंकड़ा पटना ज़िला पार कर चुका है। 5,347 कन्फर्म्ड केसेस के साथ है पटना ज़िला। मौत का आंकड़ा यहां 36 हो गया है और 3,442 लोग ठीक भी हुए हैं। भागलपुर की बात करें तो 2,023 केसेस भागलपुर ज़िले से अब तक आ चुके हैं। 19 लोगों की मौत हुई है और 1,322 लोग ठीक भी हुए हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले से कोरोना के 1,514 केसेस सामने आए, 11 लोगों की मौत हुई और 1,213 लोग ठीक भी हुए हैं। गया ज़िले से 1,336 कन्फर्म्ड केसेस निकल कर आए, 14 लोगों की मौत हुई और 624 लोग ठीक हुए। नालंदा की बात करें तो 1,200 कन्फर्म्ड केसेस नालंदा ज़िले से सामने आए, 9 लोगों की मौत हुई और 784 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। सिवान की बात करें तो 1,204 केसेस के साथ है सिवान ज़िला। मौत का आंकड़ा यहां 7 है और 726 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। रोहतास की बात करें तो 1,257 कन्फर्म्ड मामले रोहतास ज़िले से आए, 11 लोगों की मौत हुई और 649 लोग ठीक हुए हैं। बेगूसराय ज़िले से कोरोना के 1,221 केसेस निकल कर आए, 8 लोगों की मौत हुई। यहां पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, 1,056 लोग ठीक भी हुए हैं। नवादा ज़िले से कोरोना के 1,035 केसेस आए, 4 लोगों की मौत और 743 लोग अब तक ठीक हुए हैं। पश्चिमी चंपारण से 996 केसेस आए, 6 लोगों की मौत हुई और
565 लोग ठीक भी हुए हैं। सारण जिले से 1008 केसेस अब तक आ चुके हैं, 9 लोगों की मौत हुई और 597 लोग ठीक हुए। मुंगेर जिले की बात करें तो 867 केसेस के साथ है बिहार का मुंगेर जिला, 5 लोगों की मौत हुई और 730 लोग ठीक हुए। समस्तीपुर जिले से 871 केसेस अब तक आ चुके हैं, 7 लोगों की मौत हुई और 562 लोग ठीक हुए। भोजपुर जिले से 870 केसेस आए, 7 लोगों की मौत और 521 लोग अब तक ठीक हुए हैं। खगड़िया की बात करें तो 806 केसेस, मौत का आंकड़ा यहां 5 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 628 है। पूर्वी चंपारण से 792 मामले अब तक आ चुके हैं, 9 लोगों की मौत हुई और 587 लोग ठीक हुए। मधुबनी जिले से 721 मामले, 2 लोगों की मौत और 651 लोग अब तक ठीक हुए हैं। वैशाली जिले से कोरोना के 737 केसेस आए, 5 लोगों की मौत हुई और 494 लोग अब तक रिकवर हो पाए हैं। गोपालगंज जिले की बात करें तो 678 कंफर्म्ड केसेस के साथ है गोपालगंज जिला। एक व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से गोपालगंज जिले में अब तक हो चुकी है, 528 लोग ठीक हुए हैं। पूर्णिया जिले से 697 केसेस कोरोना वायरस के अब तक आए, 4 लोगों की मौत हुई और 535 लोग ठीक हुए। जहानाबाद जिले से 660 मामले आए, 4 लोगों की मौत हुई और 378 लोग रिकवर हो पाए हैं। कटिहार जिले से 646 मामले अब तक आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हुई और 593 लोग ठीक हुए हैं। बक्सर की बात करें तो 591 कन्फर्म्ड मामले निकल कर आए, मौत का आंकड़ा 1 है और 375 लोग ठीक हुए हैं। दरभंगा की बात करें तो 589 लोग अब तक दरभंगा ज़िले में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, मौत का आंकड़ा यहां 10 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 441। लखीसराय की बात करें तो 574 कन्फर्म्ड मामले लखीसराय ज़िले से आ चुके हैं, 2 लोगों की मौत हुई और 404 लोग अब तक ठीक हुए हैं। सुपौल जिले से 541 केसेज आए, 1 व्यक्ति की मौत हुई और 425 लोग ठीक हुए। औरंगाबाद जिले से कोरोना के 531 केसेज आए, 2 लोगों की मौत हुई और 664 लोग ठीक हुए हैं। जमुई जिले से कोरोना के 536 केसेज आए, 1 व्यक्ति की मौत हुई और 304 लोग ठीक हुए। मधेपुरा जिले से 472 केसेज आए, मौत का आंकड़ा 1 है और 311 लोग ठीक हो पाए हैं। सहरसा जिले से 435 केसेज आए, यहां भी एक व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हुई है जबकि 342 लोग ठीक हुए हैं। बांका की बात करें तो मौत का आंकड़ा यहां पर भी 1 है जबकि कन्फर्म्ड मामले 422 हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 348 है। किशनगंज जिले से 399 केसेस आए, 3 लोगों की मौत हुई, 284 लोग ठीक हुए हैं। शेखपुरा जिले से 385 केसेस आए, 1 व्यक्ति की मौत हुई और 239 लोग ठीक हुए हैं। सीतामढ़ी जिले से 354 कन्फर्म्ड मामले निकल कर आए, 3 लोगों की मौत हुई और 229 लोग ठीक हुए। अरवल जिले से 359 केसेस अब तक आ चुके हैं, 2 लोगों की मौत हुई और 215 लोग ठीक हुए। कैमूर जिले से कोरोना के 318 केसेस आए, 3 लोगों की मौत हुई और 273 लोग ठीक हुए। अररिया से 314 केसेस, 2 लोगों की मौत और 215 लोग ठीक हुए हैं। शिवहर जिले से कोरोना के 205 केसेस अब तक आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 135 लोग ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर 33,511 मामले कोरोना के अब तक आ चुके हैं, 221 लोगों की मौत हुई है। कल तक हमने आपको बताया कि केवल सुपौल वो ज़िला था जहां पर कोरोना संक्रमण की वजह से किसी भी पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन अब बिहार में के 3800 ज़िलों से कोविड-19 के पेशेंट्स की जो है मौत हो चुकी है, जिसकी कुल संख्या 221 है। ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो 22,832 लोग अब तक कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। एक्टिव केसेस 10,458 है। तो हमने आपको 24 जुलाई का कोरोना रिपोर्ट कार्ड बताया, उम्मीद है अब आप जान पाए होंगे कि कोरोना को लेकर बिहार के सभी जिलों का हाल कैसा है। एक भी जिला अब ऐसा नहीं बचा है जहां पर कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है, इसलिए अब ज़्यादा सावधान रहिए। लाइव सीरीज़ के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।